हामीहरू नेपालबाट आएको हो। मलाई चाहिँ आन्द्रामा इन्फेक्सन भएर स्टुल यहाँ बाहिरबाट निकालेको थियो, अनि एकदम नेपालमा बहुत धेरै खर्च गर्दाखेरि पनि मेरो बिमार ठिक भएन। त्यस कारण मेरो एकजना भाइले एपोलो हस्पिटल आउनु, यहाँ ठिक हुन्छ भनेर भन्यो। अनि यहाँको डाक्टर आनन्द राममूर्तिले मेरो सर्जरी गर्नुभयो, एकदम मलाई ठिक भयो, सेटिस्फाई भयो, म एकदम खुसी छु, एकदम राम्रो छ अहिले मलाई। अब हामी भोलि घर जाँदैछौँ, नेपाल जाँदैछौँ। अनि यो त्यत्रो धेरै खर्च लाग्छ एपोलो हस्पिटलमा भन्छन्, तर मलाई त्यस्तो लागेन, बिमार ठिक भयो, त्यत्रो धेर खर्च पनि लागेन, ठिकै लाग्यो, साधारणै लाग्दो रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो भ्रम रहेछ भन्ने कुरा भयो। अनि म चाहिँ एकदम खुसी छु, मलाई चाहिँ जीवनदान पाएँ, मैले एपोलो हस्पिटलबाट चाहिँ जीवनदान पाएको महसुस गरेको छु मैले। थ्याङ्क यू। हम लोग नेपाल से आए हैं, ये मेरा वाइफ है, इसका कोलोस्टोमी ओपन किया था नेपाल में, बहुत वहाँ खर्च किया हम लोग, लेकिन नेपाल में सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद में एक लोग, एक हमारा भैया इधर में था, वो बोला आओ अपोलो हॉस्पिटल में उपचार करने के लिए। तब हम लोग अपोलो हॉस्पिटल आए, अपोलो हॉस्पिटल में बहुत खर्च लगेगा बोल रहा था आदमी लोग, लेकिन उतना खर्च नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से एकदम सेटिस्फैक्शन है, उतना खर्च भी नहीं हुआ, सफिशेंटली उपचार हुआ, इसीलिए हम अपोलो हॉस्पिटल को वेरी वेरी थैंक यू बोलते हैं। और डॉक्टर आनंद राम मूर्ति कैस्ट्रोलॉजी सर्जन, वो बहुत अच्छा से सर्जरी किया, उसके लिए उसको धन्यवाद देते हूँ। थैंक यू।